क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमाइन पीएच एंड एनएच फोर प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम दे रखें KOH के और एनएच फोर ओएच के. ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एनएच फोर ओएच इन द फाइनल सॉल्यूशन. तो डायल्यूशन फॉर्मूला लगेगा, इक्वल वॉल्यूम मिलाए हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी डाइल्यूशन फॉर्मूला से, हाफ हो जाएगी दोनों के लिए. ये हो गया 0.1 मोल्स पर लीटर. डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या कहता है, एम इनिशियल वी एम फाइनल वी प्लस वी. तो यहां से एम फाइनल हो गया जो है वो एम इनिशियल बाय टू, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम यहां मिक्स किए जा रहे हैं. पहला पॉइंट ये हुआ इसमें. दूसरा पॉइंट ये पीएच, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस वीक बेस है तो अपन इसको डिसाइडिंग फैक्टर मानेंगे. तो क्योंकि इतना ये भी नहीं कि बहुत ही हाईली डाइल्यूट हो, 0.01 मोलर है तो 0.01 एम यही होगी ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन. इसको 1/100 यानी 10^-2 मोलर लिख सकते हैं. तो इससे पीएच हमारे हो गया जो है वो 12, क्योंकि पीएच 2 हो गया तो पीएच ये 12 हो गया. बेसिक सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होना चाहिए. अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आइए जो है वो एनएच फोर प्लस आयन कंसंट्रेशन. तो ये वीक बेस ऐसे AQ प्लस AQ OH माइनस में ये कॉपी कर रहा हूं जो मेरे यहां पे KOH से है 0.1 मोलर है ना जी. इक्विलिब्रियम पे सपोज इसका Y कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुआ, ये अपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई. तो NH4 प्लस 1 से 1 तो Y से Y ये 0.01 प्लस Y है ना. इस स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशियंट रेशियो मोलर कॉफिशियंट रेशियो में हम डिसोसिएट इनको कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट कम हो गया, प्रोडक्ट बन गया. अब यहां हम इस पे NMC देंगे, नेगलेट मेथड कॉन्सेप्ट, और इस पे भी NMC देंगे, नेगलेट मेथड कॉन्सेप्ट. ये हमने क्यों दिया है ये भी सुनिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बहुत ही वीक बेस है और KB इसका 2×10^-2 है तो इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो कम बने होंगे. कम बने होंगे तभी तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो कम आया होगा है ना. और लगभग अपन चेक भी कर सकते हैं जैसे अल्फा इज इक्वल टू √KB/C से, वो अगर 10% से ज्यादा आ रहा हो तो अपन नेगलेक्ट नहीं करते, यानी 0.1 से ज्यादा. और ये नीचे मेरा क्या हो गया 0.1. तो इस हिसाब से यहां से ये मेरे को वाई कैक फाइंड करवा देगा. अब अमोनियम आयन आ गया तो इसका इन्होंने पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन. तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा 0.1 में से वाई, तो 100 में से कितना होगा, दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर.